दोस्तों, मीडिया चैनल और कई सारे एंकर बवाल काट देते हैं जब कांग्रेस का कोई नेता पार्टी आला कमान पर सवाल उठा दे। कई एंकर आपको सवाल पूछते दिखाई दे जाएंगे कि कांग्रेस में एक परिवार की चलती है या पार्टी में कुछ लोकतंत्र बचा है। इस तरह की बातें कांग्रेस के बारे में की जाती हैं, लेकिन एक बीजेपी सांसद ने खुली बगावत कर दी है। बीजेपी में लोकतंत्र पर गंभीर सवाल उठाए हैं। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक बीजेपी का पूरा सिस्टम हिला दिया है, उसके बावजूद मीडिया में कहीं कोई चर्चा नहीं की। आखिरकार बीजेपी में इस तरह लोकतंत्र पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं और बीजेपी सांसद क्यों बगावत पर उतर रहे हैं? दोस्तों, ये राहुल कस्वा है, चूरू से सांसद हैं। बीजेपी के टिकट कटा तो शक्ति प्रदर्शन किया है इन्होंने। यहाँ भारी भीड़ आप देख सकते हैं और इस शक्ति प्रदर्शन में बीजेपी पर क्या गंभीर सवाल उठाए हैं राहुल कस्वा का, ये बयान आप सुनिए। ये चुनाव इस बात का जीता जागता फैसला करेगा। ये चूरू की लोकसभा जनता जो बैठी है मेरे सामने, ये गांव से आए हुए लोग बैठे हैं मेरे सामने, ये किसान कौन बैठी है मेरे सामने, ये गरीब बैठे मेरे सामने, ये मजदूर बैठे मेरे सामने, क्या एक व्यक्ति हमारे आने वाला कल का फैसला करेगा? तो राहुल कस्वा का यह दर्द, यह सवाल ये दिखाते हैं बीजेपी आला कमान को, पीएम मोदी को, अमित शाह को, बड़े नेताओं को, कि मान सम्मान सिर्फ आपका नहीं है, मान सम्मान उन नेताओं का भी है जिन्हें पार्टी आला कमान टिकट नहीं दे रहा, टिकट काट देता है, बिना बताए टिकट काट दिए जाते हैं। और इसके आगे राहुल कस्वा पार्टी में लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं। राहुल कस्वा बताते हैं कि उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं को कितने फोन किए और किसी ने फोन उठाए तक नहीं। तो दोस्तों, राहुल कस्वा बताते हैं कि टिकट काटने से पहले उन्हें पूछा तक नहीं, उन्हें जानकारी तक नहीं दी कि आपका टिकट काटा जा रहा है और क्यों काटा जा रहा है, ये भी नहीं बताया गया। एक सांसद का ऐसा हाल है, देखिए, और ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बीजेपी के सांसद हैं। कहते हैं कि पार्टी आला कमान के कई नेता मेरा फोन तक नहीं उठाते, दिन में 3-3 बार घंटी करता हूँ, उसके बावजूद भी मेरा फोन नहीं उठाया जाता। और दोस्तों, मीडिया में सांसद के इस दर्द की कोई चर्चा नहीं की। बीजेपी सांसद खुलेआम बगावत पर उतर आए हैं और चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अब तक साफ नहीं किया है कि, लेकिन बयान दिखाते हैं कि चुनाव लड़ने के पूरे इरादे हैं। अब तक बीजेपी नहीं छोड़ी है, लेकिन बीजेपी को शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से अपनी ताकत जरूर दिखाई है। दोस्तों, राहुल कस्वा के इस बगावती तेवर से जाट समाज बेहद नाराज है बीजेपी से और कई सीटों पर नुकसान भी हो सकता है। वैसे आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं खबरी लाल टीवी, मैं हूं आकांक्षा, धन्यवाद।